हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन। आज मैं आपके लिए राजस्थानी मिर्ची वड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 300 ग्राम आलू, जिनको कि मैंने उबाल लिया है और छीलकर अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें मैं एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ मिला रही हूँ। एक चम्मच हम आमचूर पाउडर मिलाएंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, काला नमक आधा चम्मच और साधारण नमक स्वाद अनुसार या एक चम्मच आप डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें हम 2 कप बेसन डालेंगे। यहाँ पर आप मोटा पतला जैसा चाहे वैसा बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन डाली है। 1/4 चम्मच से भी कम हींग का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है और पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि हम पकौड़े के लिए बैटर बनाते हैं, उसी तरीके का बैटर हमें यहाँ बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हम ढककर फूलने के लिए रख देंगे। चलिए तब तक हम मिर्चों को काटकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की मोटी वाली मिर्च ली है, जो कि हम पकौड़े बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका डंठल हम पीछे से काटकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे इस तरीके से चीरा लगाना है कि ये दोनों तरफ से आपस में जुड़ा रहे। और इसके बीज को हम निकाल देंगे, क्योंकि यह मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं होती है, सिर्फ इसके बीज तीखे होते हैं। या तो हमने मसाले में हरी मिर्च नहीं मिलाई है, तो आप चाहे तो ये बीज मिला सकते हैं। देखिए, हमने मिर्चों को सभी मिर्चों को काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है, तो इस मसाले को हम मिर्च में भर देते हैं। अच्छे तरीके से आप भर दीजिए। आप हाथ से या चम्मच की सहायता से इनको भरकर तैयार कर लीजिए। सभी मिर्चों को इस तरीके से मैंने भरकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और बैटर भी हमारा फूल कर तैयार है। तो अब हम एक एक मिर्च को इस तरीके से लेंगे और घोल में डालकर अच्छे से कवर करके इसको हमें तेल में डाल देना है। मिर्च को डालने के बाद इसके ऊपर से आप थोड़ा सा तेल जरूर डाल दीजिए इस तरीके से, जिससे कि ऊपर का बेसन सेट हो जाएगा। हमारी मिर्चें जब सुनहरी तलकर तैयार हो जाए तो हम इनको प्लेट पर निकाल लेंगे। हमारे राजस्थानी मिर्ची वड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और यदि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।